मैं उठा के क्यों नहीं लाया तू? कार्रवाई के लिए बोला था सर, मैं खुद जाऊंगा, मैं चेक करवा दूंगा। क्यों बोला नहीं था? ये मिले थे क्या हुआ इनका? मैंने टेलीफोन करा सर दूसरे भाई, क्या हुआ इनका? मुजरिम पकड़े नहीं पकड़े? नमस्कार, मैं रितिका डाकल, तो आप देख रहे हैं न्यूज लाइन इंडिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अचानक नरवाणा के सदर थाना आए और उन्होंने वहां आकर पुलिस कर्मचारियों के सारे कार्य, उनकी फाइलें चेक की। उनके कार्य अच्छे प्रकार से न होने पर और वहां की जो व्यवस्था थी अच्छी न पाने पर उन्होंने SHO समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और उन्हें कुछ निर्देश दिए। जैसे भी उनके वहां पहुंचने की सूचना SP सुमित कुमार को मिली, वो भी मौके पर वहां पहुंचे और उनके अनिल विज के दिए हुए निर्देशों पर आगे क्या कुछ कार्रवाई SP सुमित कुमार जी करेंगे, इनके बारे में आइए हम जानते हैं SP सुमित कुमार से। नो कंट्रोल और यो स्टॉप, किसी सीट के ऊपर काम ठीक नहीं हो रहा, लोग लंबी लंबी लाइने लगा के बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं कब कब से इंसाफ की दरकार है। शुक्रवार कौन आई है इसका? संदीप कुमार। क्या किया उसने? दरखास्त वहाँ चढ़ी हुई है। कौन है चिट्ठा मुंशी? मेरा तो टाइम लगेगा जब जाएगा। मुंशी कौन है भाई? कौन आई है इसका? है कहाँ वो? बुलाओ उसको। मेरे को बोला जी मैं कुछ खाया मर जाऊंगा, दिल का मरीज हूँ, सारा नाम हो जाऊंगा। कौन कहता? संदीप जी कहता जी। संदीप कौन? ये आइयो। फिर मैं वो ये बोली जी मैं भी खाया कुछ मर जाऊँ, मैं आपको शुरू। झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा जी जैसे हमारी जगह का बारह में होता है, कभी कूलर लाते हैं कूलर नहीं लाते कहते। मैं घर पर नहीं थी परसों, मेरे बच्चों को मारे भी 7 जने, मेरे 4 जने थे, मेरी बेबे थी विधवा। और मारा मेडिकल करवाया इनका? हाँ जी, दे रखा। कहाँ चोट लगी है? संदीप को भी सस्पेंड। क्या ये SC है? संदीप SC इसका लिख लिया पासपोर्ट वाले का नाम? वो तो कम हो गए ना, ज्यादा होना चाहिए। सुबह का है जी 9 बजे जो हमारे को छोड़ा एक पासपोर्ट वाला। अब 9 बजे का आए हो यहाँ पे? 9 बजे से आए हुए? अब क्या टाइम हो गया? टाइम देख लो कितना हो रहा है। तो कहते मोहन चक्कर काटा का दुश्मन है। मिले थे सर मेरे से? मिले थे? क्या हुआ इनका? मैंने टेलीफोन करा सर दूसरे भाई, क्या हुआ इनका? मुजरिम पकड़े नहीं पकड़े? कार्रवाई के लिए बोला था सर, मैं खुद जाऊंगा, मैं चेक करवा दूंगा। क्यों बोला नहीं था? क्या कार्रवाई करी इनके केस की? ये तो लोग बोले मेरा टाइम लगा है। हां कल शाम की दरखास्त है। आपने दरखास्त कब ली थी? शुक्रवार को थी। ये नुकम मेरे कहां दी थी? यहां थाना वहां से कर दिया। सीसीटीवी कैमरा चेक करा लो। इन्होंने दे दी कल की डेट की मार्किंग। बाकी थाने का फॉल्ट है। हां कमरे चेक करा लो। इन्होंने दे दी। और कल से अब तक तो ने क्या कार्रवाई करी? अगली पार्टी ये घरे सर, उनका कोई लड़की हुई थी उसका कोई भाई, तूने बुलाया नहीं यहां पे थाने में? बुलाया सर यहां पे, उनको बुलाया सर थाने में। हां सर सीसीटीवी लगे हुए हैं? जी सर कल शाम को बुलाया। तुम्हारे थाने में सीसीटीवी लगे हुए हैं? दिखा मुझे उसकी फोटो, कब लाया तूने? कल शाम को फोन करा सर, उनके पास आ जाने के लिए कह रहे। कल शाम को मिली सर दरखास्त, 13 तारीख की दरखास्त। शुक्रवार को दे रहा है कि वो चेक कर। कल शाम की दरखास्त है तो तूने बुलाया क्यों नहीं उनको? बुलाया सर, क्यों नहीं बुलाया तूने? तूने फोन की रिकॉर्डिंग को क्या करना है? उठा के क्यों नहीं लाया तू? उनकी मर्जी से थाना चलेगा? कल शाम तक उनकी मर्जी से थाना चलेगा? थाना बिका हुआ है किसी का? फिर सत्यानाश हुआ इस थाने में, किसी सीट पे कोई काम नहीं होगा।
किसी सीट पे लोग बैठे हैं सुबह से, कोई अटेंड करने वाला नहीं है। शुक्रवार की दरखास्त दे रखी है, अभी तक मुजरिम को बुलाया नहीं है। मेडिकल हो गया, MLO हो गया, पासपोर्ट की यहाँ मैंने पकड़े हैं कागज, कब के इसमें पड़े हुए हैं, कोई उनकी तफ्तीश नहीं है। एंड दिस SHO इज कम्प्लीटली इनकम्पिटेंट टू हैंडल दिस थाना। आई हैव सस्पेंडेड। मैंने ये जो पासपोर्ट वाला था, नाम इसका क्या नाम था, जो TTNS में चढ़ाता है, उसकी एक हफ्ते की पेंडेंस, उसको भी मैंने सस्पेंड किया। कुछ खामियां यहाँ पे पाई गई हैं और उसके तहत जैसे कि CCTNS की खामियों ने बताई थी, CCTNS का 2015 से लेके आज तक के सभी मुकदमों को सीटें फीड करने का काम है, जिसके चलते सारे हरियाणा के सभी थाने उसको फीड कर रहे हैं और उसके चलते साइड स्लो है। लेकिन इस मामले का भी निदान किया जाएगा, जो यहाँ पे CCTNS सर्वर जो हैंडल करते हैं उनसे बात रिक्वेस्ट की जाएगी कि सदर थाना दरवाना के लिए वो कुछ टाइम स्पेसिफिकली अलॉट करते हैं। तो किन किन कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया? अभी उनके द्वारा एक SHO कंसर्न के लिए आदेश हुए हैं, थाना के लिए आदेश हुए हैं, CCTNS पर जो काम करते हैं उनके आदेश हुए, और एक IO है जिसके लिए जो पब्लिक यहाँ बैठी थी उन्होंने, तो उस पर मैं खुद भी देखूँगा। किसी की शिकायत थी जी? पब्लिक यहाँ पे आई हुई थी मिलने के लिए, उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उन्हें कंप्लेंट दी थी और दूसरी पार्टी को अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया है, तो जिसकी जो भी ढिलाई है उस पर कार्रवाई की। सर, जैसे आप पूरे जिले के कप्तान हैं, नरवाना के और भी थाने हैं जहाँ पर लापरवाही बरती जाती है, उन पर देखिए जहाँ तक बात है, सभी उच्च अधिकारी कोई भी है किसी भी तरह की बात संज्ञान में आती कार्रवाई लेते हैं, और जो जो यहाँ पर खामियाँ पाई गई हैं उन खामियों का विश्लेषण बिल्कुल किया जाएगा और ये भी चेक किया जाएगा किस तरह से कम परेशानी हो। ये सारे मुद्दे मैं भी यहीं बैठ के यही इनके साथ मीटिंग करूंगा, और जो इस तरह की और बातें हैं अगर किसी और थाने में भी है तो उसको पूर्णतः दूर करेंगे। थैंक यू।